देखो पूना, ये इंद्रराज है, एक तरफ तुमको लिए बारह बरस की दिक्कत है, एक तरफ पुत्र है, पर बारह बरस तुमको दुख झेल झेलने पड़ेगा। बारह बारह बरस का मतलब है, अगर जिंदगी भर मुझे दुख झेलना होगा मैं झेल सकती हूँ, परंतु मुझे बेटा चाहिए। तुमको मैं वचन कर दिया हूँ, तुम वचन करवा लिया, तुम देखो तुमको पुत्र रखा कट गया है, तुमको पुत्र नहीं लिखा है, मैं कहाँ से दूँ? गुरुदेव आप वचन दिए हुए हैं, वचन पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए गुरुदेव, ध्यान दीजिए। जिस समय रुदन राज नैना मंदिर आधा को शादी करने के लिए, उस समय परस लोग नैना में महाभारत हुआ, उदल पर ही पड़ा सुबह के अंत में पगड़ी उतार करके सोना का पर रख दी, उस समय रुदन साड़ी पहन करके मंदिर में बैठा और सोना उदल के फूल सवार पहन करके तैयार हुआ सुबह के माथ कर दिया, उस समय घोड़ा पर दल पर सवार किया, फूला की घोड़ा में दल कहा जय उदल, हम जेंट्स का सवार करने वाला घोड़ा हूं, ये महिला का सवार करने वाला नहीं हूं। चापी खड़ा से उदल मारे, फूला को सोना के पीठ पर घोड़ा बंदर का पीठ पर खड़ा कर दिया, उस समय घोड़ा बंदर शराब पिया कि जाओ उदल, तुमको पुत्र नहीं होगा। फूला कहां से पुत्र दो? गुरुदेव आप तो बच्चे दिए हुए हैं, अगर पुत्र नहीं दीजिए मैं तो अपनी जान। सुनो फूला, दूसरी बात है, जिस समय रुदल सोहनी में चढ़ा था उनको मौत करती के लिए, माँ गंगा से कहा कि माँ आशीर्वाद दो, मैं सोहनी जा रहा हूँ, उस समय माँ गंगा आशीर्वाद नहीं दे करके शराब दिया, जो भी जो छतरी झगड़ू का माथ काटेगा पुत्र से भी पुत्र रहेगा, तुम कहीं नहीं है। गुरुदेव आप कोई उपाय कीजिए। गुरुदेव देखिए पूरा एक जुगती है, क्योंकि मैं जड़ी दे रहा हूं, तुमको बारह बरस के लिए पुत्र होगा, तुम जड़ी लो, ठीक है गुरुदेव, तुम जड़ी खा दो, तुम